ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया। आतंकी संगठन ने शनिवार को लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 30 घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। हमले की सूचना मिलते ही अमेरिकी दौरे पर आए इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत देश लौट आए हैं। हिजबुल्ला ने शुरुआत में इस हमले की जिम्मेदारी ली, हालांकि कुछ देर बाद ही वो अपने बयान से पलट गया। इसराइल की सेना IDF ने कहा है कि हमला फलक एक रॉकेट से किया गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्ला करता है।